हेलो गाइस वेलकम टू एडवरन मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ है उन्नीस तारीख को तो जेपीएससी का पेपर टू का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सेट क्वेश्चन बुकलेट नंबर डी सेट जो है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं झारखंड जल नीति दो जो है वो किसको एड्रेस करता है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्था की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है तो इसमें जो बी है बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर झारखंड राज्य जल नीति दो हजार ग्यारह जो है वो संस्था की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह पिछड़ा है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है ठीक है ऑप्शन बी पहाड़ी इलाका है नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड नवीनीकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रचुर मात्रा में जल प्रपात है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं मानव जनित गतिविधियां ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल यह सभी होगा नंबर फाइव है झारखंड आपदा प्रबंधन योजना तो झारखंड आपदा प्रबंधन योजना किस चीज को एड्रेस करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए

राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आप देखिएगा कथन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है ठीक है तो इस इस क्वेश्चन को में थोड़ा सा डाउट है तो इसको आप रहने दीजिएगा ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जे ए द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जून 2009 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जून 2009 में जे JA ए द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना जारी की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ एन ए पी के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरायकेला और खरसावा सरायकेला खरसावा को आपको ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है क्वेश्चन नंबर दस है खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के रूप में विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है तो देखिए इसका करेक्ट जो जो है, है? आंसर कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूल योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है देखिए तो इसमें जो स्टेट स्टेयरिंग कमेटी जो होती है ना राज्य संचालन समिति वो इसके लिए जिम्मेदार होता है तो ग्यारह नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य संचालन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड का एकमात्र जिला जिसने तीन नौ दो तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है वह कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहेबगंज देखिए क्वेश्चन नंबर तेरह जो बोल रहा है वो झारखंड के लिए आईपीसी सीरीज एस आर ई एस उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है तो क्या दर्शाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्दियों एवं गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा तो इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम ठीक है कर स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है तो ये सेकेंड पोजिशन आया है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी दूसरा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सोलह नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार ने 125, 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहा मंजूरी दी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर देवघर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में किसानों कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ये कब लागू किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त 2019 नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में रहता है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के तीस सितंबर तक तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के सकल राज्य मूल वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है देखिए इसका जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 एक संथाल गांव में ग्राम के प्रधान के सहायक को आप देखिएगा ग्राम के प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमाणिक कहा जाता है मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहान क्वेश्चन uh, नंबर 22 उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की थी ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रताप राय तेईस नंबर क्वेश्चन पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं ये भी बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ा राजा कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेंद्री बेंसी क्या है ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ये थोड़ा टफ था तो सेंद्रीय बेंसी क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिकार परिषद है ठीक है पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन मुंडा गांव के पंचायत की बैठक नामक स्थान में होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अखड़ा में होती है ठीक है छब्बीस ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था तो किससे से संबंध है तो ये खड़िया जनजाति से संबंध है ठीक है ऑप्शन नंबर ए खड़िया जनजाति से संबंध है सत्ताईस बिटलाहा क्या है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया था बिटलाहा क्या है तो बिटलाहा एक प्रकार की सजा है ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मशीनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी

इकतीस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथ भागीरथ मांझी ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वो समुदाय में मूल्य को क्या कहा जाता है तो जो भी मधु वधु मूल्य के बारे में पढ़े होंगे उनके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है तो बत्तीस का हो जाएगा गोनोम गोनोम जो है वो समुदाय में वधु मूल्य को कहा जाता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे तो इसका करेक्ट आंसर है किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौ अगस्त उन्नीस क्वेश्चन नंबर 35 किस दल ने उन्नीस के आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ

तो बेरा बेरा का मतलब होता है सूर्य देव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सैतीस नंबर है झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार है यह तो वन ऑफ द क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरहुल बुरु किस आंदोलन से संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा का उलगुल ठीक है बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा है उनका जो उन्होंने जो आंदोलन किया था उसका नाम था उलगुलान तो उसी में डोमबारू बुरु डोम्बारी बुरु आंदोलन से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश काल में सिंबूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था तो इस कर का क्या नाम है देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलकट्टी उस कर को दलकट्टी कहा जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी देखिए सिमडेगा में रामरेखा धाम है ये हम जानते हैं। मुंडाओं की एक परंपरा का हिस्सा है इस परंपरा को क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सोसो बोंगा तो क्वेश्चन सो -सो निम्नलिखित में कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण देखिए नहीं है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहला देखिए पहला तो नापने के लिए आ, यूज किया जाता है तो इसीलिए पहला नहीं होगा बात बाकी सारे सही हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहला तैतालीस नंबर क्वेश्चन कर्मानृत्य के दो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेमटा एवं भिनुसारी ठीक है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था तो कर्मानृत्य के दो प्रकार हैं खेमटा एवं भिनुसारी देखिये कर्मानृत्य के जो दो प्रकार भी होते हैं कर्मा के दो प्रकार होते हैं एक होता है देश का कर्मा होता है और एक होता है आंगन कर्मा जिसको आंगन में और एक कर्मा जो अखाड़ा में किया जाता है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खेमटा एवं भिनुसारी कर्मा नृत्य दो प्रकार से है नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक डस्ट एंड एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर इसके लेखक कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के एस सिंह ठीक है ऑप्शन नंबर बी के एस सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस सी रॉय एस सी रॉय शरतचंद रॉय ठीक है नेक्स्ट कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है उसके लेखक कौन है देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन इसका आप ऑप्शन नंबर बी रखिएगा बारह जो हैं इसके लेखक हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डाउट है फोर्टी सेवन किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है देखिए इसके बारे में तो ऑप्शन नंबर सी जो है फादर कामिल रामचरित मानस पे काफी रिसर्च किया था तो तो उन्हीं को आ, जाना जाता है तो फादर कामिल बुल के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सही उत्तर को चिन्हित करें रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और यूनेस्को यूनेस्को और यूएनडीपी इस तरह के जितने भी हो मतलब कि साइंस टेक्नोलॉजी या फिर आ, आपके विश्व धरोहर की चीज़ें हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यू यूनेस्को पुस्तक ईशु चरित चिंताम ईसा मसीह की जीवनी को उन्नीस सौ तिरसठ ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा था देखिए ये क्वेश्चन भी जो है ना इस क्वेश्चन को भी हम लोग अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं ये फादर पीटर शांति नवरंगी ने लिखा था या फिर फादर जे हॉफमैन ने लिखा था तो इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पचास उन्नीस सौ दस ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है तो आ, इसके जो होंगे करेक्ट आंसर जो इसका है ये है ऑप्शन नंबर सी एल एस एस ओ मैली तो नहीं, आ, पर, संथाल परगना नहीं पर लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी ठीक है बिरसा में, तो में जो कृषि विद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय वो तो कृषि और वानिकी की पढ़ाई के लिए है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में आयोजित चौतीसवें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन टू और थ्री जो है ऑप्शन इसका इसका आयोजन 2011 में किया गया था इसका शुभंकर छ था छवा था माने शुभंकर छवा था जो एक आ, शिशु हिरण था और झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में तैंतीस स्वर्ण अर्जित किए थे ठीक है लेकिन झारखंड इस पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त नहीं किया था ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन टू और थ्री इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन सही उत्तर को चिन्हित करें फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का संबंध किससे है तो ये तो थोड़ा इजी था सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है आपका कीनन स्टेडियम कहाँ है देखिए मिलान करना ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था हम लोग सबको जानते हैं एल्बर्ट एक्का के बारे में एल्बर्ट एक्का जो है वो गुमला के रहने वाले थे तो परमवील एलबर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ हो जाएगा गुमला में हो जाएगा और कीनन स्टेडियम में तो कई प्रकार के मैच होते रहते हैं जो कि जमशेदपुर में है तो इसका ए का हो जाएगा आपका जमशेदपुर यानी चौथा नंबर और बी का सॉरी सी का आपका हो जाएगा गुमला तो इससे आप फिर मैच कर सकते हैं कि क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए का हो जाएगा फोर बी का हो जाएगा थ्री सी का हो जाएगा टू और डी का हो जाएगा वन तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश फिर सुमिलित करना है क्वेश्चन नंबर छप्पन खिलाड़ियों का नाम है और संबंधित खेल है सिलनिवास डूडुंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हॉकी से संबंधित है तो ए का हो जाएगा फोर और प्रेमलता अग्रवाल के बारे में ज्यादातर लोग शायद जानते होंगे पर्वतारोहण के लिए ये हैं ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए का हो जाएगा चौथा श्रिलनिवास डूंगडुंग हॉकी से संबंधित है और बी का हो जाएगा तीसरा शुभ सु, लक्ष्मी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और अरुणा मिश्रा जो है वो मुक्केबाजी से है और प्रेमलता अग्रवाल जो है वो पर्वतारोहण से है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए कोकर भूमि को जाना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह सभी जितने भी ऑप्शन दिए हैं ऑल ऑफ द तो ऑप्शन ए यह सभी हो जाएगा 58 झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2013 में हुआ था ठीक है फिफ्टी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रदान करती है प्रावधान करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा ट्वेंटी वन ठीक है आप लोग चेक करते जाइए कि, कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है अभी तक ये देखिए हम लोग साठवां क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप लोग मैच कर लीजिए कि आप लोग कितना सही किए हैं ये मैं क्वेश्चन पेपर डी सेट जो है डी उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आप लोगों का जो भी सेट आया है तो क्वेश्चन और अपना देख लीजिए कि कितना आप लोगों का सही हो रहा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश की देने की शक्ति किसमें है देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती अगर

कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था कब इसको अधिनियमित किया गया था तो इसको 11 नवंबर 1908 को अधिनियमित किया गया था क्वेश्चन नंबर चौसठ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है तो विनिमय के बारे में आपको जो प्रावधान करती है वो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी धारा ट्वेंटी थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आदेवन आवेदन दिए जाएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाद हेतु के उत्पन्न होने के एक साल के भीतर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत ोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 60. धारा में 60 में आप लोग रिव्यू के बारे में जानकारी ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं देखिए जादूगोड़ा नरवाह पहाड़ और तुरामडी तीनों में है यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑल मतलब ये सभी झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक जनवरी 2014 से ठीक है क्वेश्चन झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक महीने के किराया से अधिक नहीं होगा ठीक है जोजू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है किसके लिए आ, न, आ, प्रसिद्ध है तो ये हो जाएगा क्रोमाइट ऑप्शन नंबर बी क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं किस नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी कोयल के लिए प्रसिद्ध है ठीक है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी कोयल मोतीझला जलप्रपात किस नदी पे बनता है तो ये अजय नदी पे बनता है मैंने जलप्रपात पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है आप लोग जाइए कभी भी आप जाइए किसी भी एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप लोग जाइए एडवन कुरन चैनल पे और उस वीडियो को देखिए ठीक है उसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया है नेक्स्ट क्वेश्चन कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड के किस ब्लॉक में गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंडरिया ठीक है ऑप्शन नंबर ए भंडरिया से ये प्रवेश करती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव पीपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयली की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुद्रिक विकास खंड में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंडवा में है ठीक है ठीक ऑप्शन नंबर ए टंडवा नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है देखिए हम लोग पलामू के बारे में जानते हैं कि पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू सतहत्तर झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संचरण का उदाहरण है जाती बाह संस्थान का मतलब होता है कि वैसा नेशनल पार्क या वैसा बायोस्फीयर जिसमें बाहर से हम लोग ला के पशुओं को पक्षियों को या फिर जो वन्य प्राणी है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं इसको एक्स सी टू कंजर्वेशन कहा जाता है ठीक है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बिरसा मुंडा जैविक पार्क ठीक है क्योंकि इसमें हम लोग बाहर से हाथी लाते हैं शेर लाते हैं या फिर जितने भी वन्य प्राणी हैं उसको बाहर से लाते हैं और उनके लिए इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो उसी को कहा जाता है एक्स सी टू कंजर्वेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्र है देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मुझे लगता है इसको सभी ने सही किया होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी मैंने झारखंड के वन रिपोर्ट पे 2019 का वन रिपोर्ट का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं झारखंड राज्य के वन रिपोर्ट से ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी दो हजार उन्नीस के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो एट हेक्टेयर ठीक है सेवेंटी नाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो एट हेक्टेयर एटी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ठीक है देश की कुल खनिज का फोर्टी परसेंट झारखंड में पाया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में झारखंड दूसरे रैंक पे है झारखंड औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी और झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 की है देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू और थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी वन झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं देखिए इसको तो काउंट करना पड़ेगा लेकिन आ, इसमें या तो पंद्रह हो जाएगा या तो सत्रह होगा तो ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में डील करेंगे बाद में इसको डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्राफ्ट की स्थापना दो हजार में की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यार्पण एवं पुनर्निवास नीति के संबंध में विचार करें इसका इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी वामपंथी उग्रवादियों के लिए है ये वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य 1908 की धारा 16 के अंतर्गत है और प्रत्यावरण पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपर में जितने भी हैं वो सारे सही हैं ऑप्शन नंबर वन टू थ्री और फोर ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है तो इसकी शुरुआत कब की गई थी तो 2017 में की गई थी यह केवल आदिम जनजातियों के लिए है तो बिल्कुल सही है इसके झारखंड तो तो निर्यात नीति दो के संबंध में विचार करें तो इसका उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित करना है वैश्विक बाजार में सस्ती और गुणवत्ता वस्तु उपलब्ध कराना है इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान परसेंट तक पहुंचाना है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है तो इसका भी ऑप्शन नंबर नंबर जो एटी सिक्स है, है, है।, है वो बोल रहा है इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस तक मूल डील के अनुसार एच के, के पास कितनी एकड़ भूमि है तो इसका है ऑप्शन नंबर डी सात हजार एक सौ निन्यानवे दशमलव पांच एक तो आप लोग एक बार थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर डी होगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं टाटा टाटा फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन स्टील एवं एसी लिमिटेड द्वारा किया गया था तो टी की स्थापना कब हुई थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर 1962 को हुई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है तो झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कौशल उन्नत साझेदारी विकास बेसिकली आपसे पूछ रहा है यह नीति कब बनाई गई थी झारखंड टेक्सटाइल नीति जो है वो कब बनाई गई थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016 में बनाई गई थी क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कंपनी का नाम और वो उनका एड्रेस पूछ रहा है उसको मैच करने के लिए बोल रहा है तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सी बी ए जो हुडको है हुआ अशोकनगर रांची में है ठीक है वेदांता लिमिटेड जो है वो हरमू रांची में है और डालमिया सीमेंट जो है वो बालाडी बोकारो में है तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है यह योजना कब से शुरू की गई थी तो यह योजना 2017 से शुरू की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाले जोहार परियोजना का लक्ष्य क्वेश्चन नंबर नाइन्टी जो है वो कह रहा है जोहार परियोजना जो है वो झारखंड के परियोजना क्षेत्र में लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनंदा कृषि एवं गैर किसी क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है मतलब कि कौन से एजेंसी के द्वारा इसको हेल्प मिलता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक नेक्स्ट मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है 94 निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारेंगोम जयपाल से मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है देखिए इसका जो होगा ये क्या होगा करेक्ट आंसर ये मुझे नहीं पता है अगर आप लोगों को पता है तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए इसके बारे में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 95 झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन अस्पतालों में परामर्श के लिए एक रुपया लिया जाता है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है तो ये इसके बारे में सच नहीं है ठीक है झारखंड में किस जिले में न्यूनतम परसेंटेज क्षेत्र के वनों के अंतर्गत आता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जामताड़ा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला का भंडार कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बोकारो ऑप्शन नंबर बी ठीक है क्वेश्चन नंबर 98 एट क्या बोल रहा है झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका करेक्ट है फोर पॉइंट टू परसेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी

उत्तर आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए आते हैं आप कटअप के ऊपर तो ये जो प्रश्न पत्र है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी नहीं है इसको मैं अबब मॉडरेट लेवल पे रखूँगा तो इसका कटअप जो भी आप लोगों में से जिनका भी बचपन से ऊपर सही हो रहा है आप लोग सभी जे के मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए ठीक है तो ये है वीडियो के डिटेल्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए जय हिंद